आज मैं आपको एक ऐसे गांव में लेके चलता हूँ जहाँ 7 साल की एक लड़की की मृत्यु और उसके पिता के द्वारा लिया गया एक डिसीजन जो उस जमीन के टुकड़े का नक्शा ही बदल के रख दिया। एक बंजर जमीन थी, वहाँ पे आज देश विदेश से कई लोग आके पौधारोपण करते हैं और सबसे खास बात जो है वो ये है कि वहाँ हर पेड़ के ऊपर गांव की हर लड़की पहले राखी बांधती है, फिर उसके भाई को राखी बांधती है। मतलब हर पेड़ का वहाँ की महिला के साथ में एक रिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। ये खेती के बढ़िया से पपीते उदयपुर से निकल के मुझे राजसमंद के पास में जाना था, जिसकी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो दूरी है वो 60 से 65 किलोमीटर के आसपास है। ऐसा नहीं है कि इस रोड पे मैं पहले नहीं आया हूँ, मैं जब भी लद्दाख जाता था तो मुझे ये रूट से मेरा पाला पड़ता ही पड़ता था और उस टाइम का एनर्जी लेवल और आज के एनर्जी लेवल में फ़र्क बहुत है। लेकिन उसका जो फ़र्क का जो गैप है वो कैसे कम हो गया कि पहले मैं बाइक से जाया करता था और आज मैं एक लग्जरी कार से ट्रैवल कर रहा हूँ। ये टनल शायद आप लोगों ने पहचान ली होगी, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, ये राजसमंद के साइड में जब हम जाते हैं तो ये टनल पड़ती है। और माइंड मेरा आज रिलैक्स है क्योंकि मुझे इंटरनली ऐसी बात तो पता है कि मैं इस ब्लॉग के अंदर एक ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा जिस तरीके की जगह मैंने देश दुनिया में घूमने के बाद में अभी तक देखी नहीं थी। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे जाने के लिए एक्साइटमेंट में थी और जो मुझे बताई गई है वो है एक रिश्ता। जब भी आपको ज़िंदगी में अपने काम से प्यार करना हो या सक्सेस पानी हो तो उसे एक रिश्ता बना लो। और यहाँ के गांव की हर महिला ने, हर परिवार ने वहाँ उगाए हुए पेड़ के साथ में अपना रिश्ता बनाया हुआ है। वहाँ का हर पेड़ गाँव के हर लड़के लड़की जो भी वहाँ पर रहते हैं उन सबके साथ में उसका एक कनेक्शन है। और वो सबसे अच्छा कनेक्शन है कि जब भी राखी का त्यौहार आता है तो हर महिला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक या दो महिला, हर महिला का एक ही शेड्यूल होता है कि वो सबसे पहले राखी बांधती है अपने डेडिकेटेड किए हुए एक पेड़ को और उसके बाद घर के किसी मेंबर को। अब मैं आ गया हूँ इस गांव के अंदर और उत्सुक हूँ जो मेरे को जानकारी मिली है उसकी पूरी असलियत और रियलिटी को समझने के लिए, जानने के लिए। भवरलाल जी, अभी आपसे बात हुई थी। हाँ, मेरी से हो जी। यहाँ पे देखने से एक चीज तो रियलाइज हो रही है कि देश और दुनिया में इस जगह को बहुत नाम मिल चुका है और ये एक ख्याति प्राप्त जगह है और सभी सुविधाओं से संपन्न गांव है। और पूरा का पूरा जो एरिया है, जितना भी एरिया इस गांव के पास आता होगा, वो पूरी तरीके से हरित है। मतलब पेड़ पौधे उगाए जा चुके हैं। मुझे थोड़ी देर बाद का अपॉइंटमेंट मिला है जिसमें मैं इस जगह की पूरी जानकारी जो है वो खुद भी प्राप्त करूंगा और आप लोगों को भी दूंगा। ये पेड़ों पे राखियां, जिन बच्चियों के नाम पे ये पेड़ लगाए उनके माता पिता ने उनके जन्म पे, वो राखियां हर साल पेड़ को राखी, अपने भाई को राखी बांधने से पहले पेड़ों को राखी बांधती। रखते हैं और उनके स्टे के लिए अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे हमारे किचन है। अच्छा, यही की ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा के और यही तो किचन में खाना बनता है। अरे वाह। मेरा नाम भंवर सिंह राजपूत है, मैं इसी गांव के रहने वाला हूँ। और शुरू से पालीवाल जी ने जब से ये पर्यावरण पे, पानी पे, बेटी पे काम चालू किया तो उसी दिन से मैं इनके साथ में लगा हुआ। और आज से 20 साल पहले इस गांव में पानी नहीं था, जंगल सारा ख़त्म हो गया था और एकदम पिछड़ा हुआ गांव था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज होती है तो खनिज से पानी, पेड़ सभी नष्ट हो गए थे।
तो 2005 में पालीवाल जी सरपंच बने, तो उस समय इन्होंने सबसे पहले पानी पे वाटर सेट पे काम चालू किया। तो कच्चे पक्के चेक डैम ट्रेंस खाई ऐसे करके पानी रोकने का 4500 इन्होंने चोर्स बनाए। तो गांव का पानी गांव में रुक गया, तो इससे धीरे 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 लेवल वापस ऊपर आ गया। उस समय तो थोड़ा 700-800 फीट नीचे, आज 40-50 फीट के ऊपर लेवल आ गया वाटर का, और जंगल सारा ख़त्म हो गया था। और जो सरकारी ज़मीनें पड़ी तो इनके ऊपर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। तो इन पालीवाल जी ने समझाइश बुझाइश करके इनका वापस कब्जा हटाया, और जो सरकारी ज़मीन इनके ऊपर बाउंड्रियाँ करा के इन्होंने पेड़ लगाना वापस चालू कर दिया। तो आज तो करीब 6-7 लाख पेड़ इन्होंने लगा दिए, और जो प्राकृतिक नेचुरल पेड़ उगे वो तो फिर लाखों में वही बन गए। तो आज हमारे गांव में पानी, जंगल और काश्तकार वापस खेती करने लग गए। और उस समय पानी नहीं था तो काश्तकार गांव छोड़ के बाहर कहीं मजदूरी की तलाश में जाने लग गए, बाहर बम्बई अहमदाबाद जहीं था रोज़गार मिलता वहां जाते थे। और आज वापस गांव में आके वो गाय भैंस बकरी रखने लग गए और खेती कर रहे। और प्रॉपर जो मेरा गाँव है पिपलांतरीय गाँव पर अलग मेरी ढानी है, तो उसमें हम 80 परिवार रहते हैं। तो आज से 10-15 साल पहले 1 क्विंटल दूध बाहर से मेरे गांव में आता था चाय बनाने के लिए, और आज मेरे गांव से 10 क्विंटल दूध बिकता है। काश्तकार गाय भैंस रखने लग गए, कुआं में पानी हो गया तो खेती करने लग गए, रसका बाजरी चूरी ऐसे बोने लग गए और वापस प्राकृतिक खेती पे आ गए। तो आज हमारे गांव में वापस जो पुराना हमारी संस्कृति तो उसी हिसाब से हम जीने लग गए, और वो महसूस कर रहे हैं कि वापस यहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, और शुरू से मैं ये पेड़ लगाने में इनके साथ में रह रहा हूँ और ये पेड़ मैंने बड़ा किया। तो मेरे परिवार से ज़्यादा प्रिय आज मेरे को ये पेड़ लगते हैं कि मेरे परिवार वाले सारे यहीं हैं। घर जाता हूँ मैं पाव आधा घंटा रुकता हूँ और वापस यहाँ आ जाता हूँ, तो मैं 100 घंटा यहीं रहता हूँ और मेरे को महसूस यही होता है कि मेरा परिवार यहीं है। बहुत ही मजेदार वाली बात यह है कि मुझे राहुल ने खाने के लिए भी पूछ लिया है, और ये खाना बनता हुआ देख के मुझे लग रहा है जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे होंगे उनकी भी भूख जाग गई होगी कि चूल्हे पे बनी हुई मक्के की रोटियां और यहाँ का साग। मैं आपको लकी फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कमरा मिला हुआ है वो यहाँ के जो सरपंच हैं उनके खुद के कमरे में मैं रुका हुआ हूँ। इस गांव में पूरी दुनिया से पता नहीं कहां कहां से कितने लोगों को कितने देश के लोग यहां आते हैं और पौधारोपण करते हैं। तो यहां मेरी मुलाकात एलिश्का से भी हुई जिसने पेड़ लगाया, और उसके बाद में ये सौभाग्य मुझे भी मिला और मैंने भी पौधारोपण किया। इसी जगह से आप देखना, और इसी जगह का मैं आपको 2006 का फोटो बताऊंगा आपके अंदर। ओके, यहाँ पानी बराबर चलता रहता है ना। ये पेड़ पहला पेड़ लगाया था मेरी सिस्टर की मेमोरी में इस गांव में, और तब से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। और इसको कितना टाइम हो गया? 2007 का लगाया। 2007। ये घटनाक्रम जो आपने सुना सुनने में बहुत नॉर्मल सा लग सकता है, लेकिन मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ये राहुल की
सिस्टर की याद में लगाया हुआ पेड़ है और इसका इमोशनल होना जायज़ है, तो इसके इमोशन में समझता हूँ, तो इसके लिए इसको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। करते उतनी बिजली यहाँ बनाते, सोलर पैनल्स लगे हुए, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ट्रेनिंग सेंटर है, सब जगह सोलर पैनल्स लगाए हुए। जहाँ गेट से मेंटल हुए थे वो 2007 का, वो ओहो हो बोर्ड लगा था, प्लान 3 मॉड्यूल। भाई जिस रूम में अभी हम खड़े हैं वो रूम में सबसे पहले ही बना होगा उस टाइम में ना। हाँ, तो इन पेड़ों पे जिनके भी अभी लगे हैं ये फोटो बने हुए हैं। हाँ। ये किसी ना किसी को डेडिकेट किया हुआ है ना, किसी ना किसी बच्चे के जन्म पे लगाया है। वो इसी जगह का फोटो था मैंने आपको दिखाया, वो गेट एंड गोप्रो में बस यही फायदा कि एक बटन दबाते ही आप एकदम सिनेमैटिक शॉट ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही गजब की एक प्लेस पे अभी मैं रुका हूँ, पीपलाम 3 गांव का ये नर्सरी। और मैं थोड़ा शुरू से कुछ मामलों में बहुत लकी हूँ मैं, और क्यों हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो जिस कॉटेज में मैं रुका हूँ, ये यहाँ के जो मेन रचयिता है पद्मश्री सरपंच जो है हमारे यहाँ के पीठांतरी गाँव के, मैं उनके ही कॉटेज में रुका हूँ। इनको करमवीर जो करोड़पति प्रोग्राम आता है इसके अंदर भी इनको इन्वाइट किया गया था, और ये वाकई में ही करमवीर हैं। मतलब इस जगह की जितनी भी डिटेल्स आपने अभी देखी होंगी, जो भी मैं आपको दिखा पाई हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वाकई में ये मामला बहुत ही मतलब रिमार्केबल है। एक अकेला इंसान किस तरीके से एक मूवमेंट को शुरू कर सकता है, और फिर महिलाओं के सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से इतना गजब का प्लांटेशन। ये सब जो जगह है ये पहले माइनिंग की जगह हुआ करती थी। हाँ, मतलब पूरा माइनिंग दिस इज पत्थर निकाले जाते हैं, मार्बल्स वगैरह जो होते हैं वो निकाले जाते हैं, तो सब एकदम ड्राई फॉरेस्ट ऐसा। लेकिन अभी आपको चारों तरफ जो मिलेगा बहुत ही गजब का व्यू। ठंड एक्चुअली सुबह थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं देर से निकला हूँ। ये है वो कॉटेज जहाँ पे अभी मैं रात को रुका हूँ। इन कॉटेज में बाहर विदेशों से भी गेस्ट आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने वो रेजिडेंशियल बनाया हुआ है। ये कमर्शियल प्लेस नहीं है, यहाँ पे आपको कमर्शियली वैसे नहीं होता है। मतलब आप पूछिए इनसे, और अगर इनके पास जगह होगी तो ये बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, और यहाँ का जो मॉडल है वो समझाने की कोशिश करते हैं। बिफोर और आफ्टर अगर आपको देखना होता है ना, तो इस तरह के बोर्ड पे आप देखो, वो पहले वाला पीपलांत्री है और ये नीचे वाला पीपलांत्री है, और बहुत ही गजब का मतलब एक अलग ही संतुष्टि जैसा फील आया मुझे यहाँ आने के बाद में।
अभी मैं नीचे गांव की तरफ जा रहा हूँ, ये नर्सरी है इनकी, यहाँ पे अभी मैं ऊपर रुका हुआ था। यहाँ तो बहुत फॉरेनर्स वगैरह ये रेगुलर विजिट करते हैं, और जैसे मेरी कल राहुल से बात हुई थी, एक सेकेंड, कल जैसे मेरी राहुल से बात हुई थी तो राहुल ने बताया कि यहाँ मतलब बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह सब बनती ही रहती हैं, रेगुलर लोग आते ही रहते हैं। अब ये प्लेस ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ हिडन प्लेस है, ये मेरे जैसे लोगों को पता, हम लोग थोड़ा कनेक्टिविटी में अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं तो हमारी तरफ से वो करते हैं। लेकिन अब जब एक मेरे से आदमी को पता चल गया, जो मतलब टीवी दुनिया इन सबसे बहुत दूर रहता हूँ मैं, और अब मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं इस तरह की एक फिल्म बनाऊँ, एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, जो जिस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ये बात और ऐसे लोगों तक पहुँचे जो आज का जो मतलब एक तरह का करप्ट सी सोसाइटी हो गई, करप्ट सा समाज हो गया है, टीवी वीवी सब सब बिकी हुई सी न्यूज़, सब मैनिपुलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वैसी ना होके और ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँचे और एक प्रेरणा का केंद्र बने और भी लोग इस तरह की चीज़ें करने के लिए मोटिवेट हों, इंस्पायर हो। कल मतलब अभी मेरी जो मेन सरपंच साहब है ना, उनसे मेरी आज मुलाकात होगी, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। कल उनके बेटे राहुल से मेरी जो बात हुई ना, उसमें उसने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई, तो बात ठीक थी उसकी। इस बात को मैं अपने तरीके से बोलता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, और राहुल ने जिस तरीके से बोली कि भाई लोग अगर काम करके दिखाएं तो सरकार भी सपोर्ट करती है, क्योंकि इस प्लांटेशन को, इस जगह को सरकार ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन सपोर्ट किया हुआ कब है, जब उन्होंने खुद काम करके दिखाया, एक मॉडल बनाया, और वो मॉडल लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने, अधिकारियों ने जब यहाँ विजिट किया तो उनको सबको बहुत अच्छा लगा। तो होता है, प्रयास करने पड़ते हैं। एफर्ट हम लोगों को खुद ही करने पड़ते हैं, प्रयास हर इंसान को, अपनी ज़िंदगी को भी अगर बेहतर करना है तो आपको इनिशिएट करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, थोड़ा काम करना ही पड़ेगा।